दोस्तों, मैं आपको इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है रेडियन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ पर आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं। वहीं इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं। साथ ही आपको यहाँ 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा वहाँ पर पेमेंट प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए रेडियन्ना को। दोस्तों, मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने कोलकाता के खिलाफ मिली हार को पीछे छोड़ते हुए सीएसके के खिलाफ दमदार वापसी की और रविंद्र जडेजा की टीम को 54 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया, जिसके साथ ही पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान से सीधे 4थे स्थान पर पहुंच गई है। इस वीडियो में हम पंजाब की जीत के 3 सबसे बड़े हीरो आपको बताने वाले हैं, जिनका पंजाब किंग्स की धमाकेदार जीत में सबसे ज़्यादा योगदान रहा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी हैं पंजाब किंग्स के बड़े फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक करके उन 3 खिलाड़ियों की जिनका पंजाब की इस जीत में सबसे ज़्यादा योगदान रहा। सीएसके के खिलाफ पंजाब की जीत के पहले और सबसे बड़े हीरो रहे लियाम लिविंगस्टोन। दोस्तों, सीएसके के खिलाफ मुकाबले में पंजाब किंग्स के सबसे बड़े हीरो लियाम लिविंगस्टोन रहे। लिविंगस्टोन के बल्ले से एक विस्फोटक पारी देखने को मिली और इसी पारी ने चेन्नई के लिए हार की कहानी लिखी। इस मैच में इस इंग्लिश बल्लेबाज ने 32 गेंदों में 60 रन की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में लिविंगस्टोन ने 5 छक्के लगाए, जिसमें से एक छक्का इस सीजन का सबसे लंबा छक्का था, जो 108 मीटर का था। पिछले 2 मैचों में लिविंगस्टोन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने 60 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। यही नहीं, लिविंगस्टोन ने गेंदबाज में भी कमाल दिखाया और 3 ओवर में 25 रन देकर सीएसके के 2 बल्लेबाजों को आउट किया। अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए लिविंगस्टोन को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात करें जिनका पंजाब की इस जीत में खासा योगदान रहा, वो हैं राहुल चाहर। लेग स्पिनर राहुल चाहर का जलवा तीसरे मैच में भी देखने को मिला। इस मैच में चाहर ने 4 ओवर में केवल 25 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। राहुल चाहर ने सबसे पहले एमएस धोनी का विकेट चटकाकर सीएसके की मैच जीतने की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद राहुल चाहर ने ड्वेन प्रिटोरियस और क्रिस जॉर्डन को भी चलता किया। IPL 2022 में राहुल चाहर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अब तक 3 मैचों में इस स्पिन गेंदबाज ने 6 विकेट चटकाए हैं। सीएसके के खिलाफ 3 विकेट चटकाने के बाद वह पर्पल कैप के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। इस सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में वह दूसरे नंबर पर हैं। उनसे आगे सिर्फ केकेआर के उमेश यादव हैं, जिन्होंने 8 विकेट चटकाए हैं। अगर राहुल चाहर का ऐसा ही कमाल का प्रदर्शन आने वाले मैचों में भी जारी रहा, तो वह सीजन में पर्पल कैप को जीत सकते हैं। साथ ही अपने बेहतरीन प्रदर्शन से वह पंजाब को पहली बार IPL का चैंपियन बना सकते हैं। उसके बाद पंजाब की जीत के तीसरे सबसे बड़े हीरो की बात करें तो वो हैं वैभव अरोड़ा। दोस्तों, सीएसके के खिलाफ मुकाबले में कप्तान मयंक अग्रवाल ने 2 बड़े बदलाव किए। राज बाबा और हरप्रीत बरार को बाहर कर इस मैच में वैभव अरोड़ा और जितेश शर्मा को मौका दिया। दोनों ने डेब्यू मैच में अपने प्रदर्शन से सभी को इम्प्रेस किया। दोनों में से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने किया। वैभव अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इसका नज़ारा कल हुए मैच में देखने को मिला। वैभव ने पारी का पहला ओवर फेंका और पहली गेंद से उन्होंने इस बात की झलक दिखा दी। इस ओवर में उन्होंने आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों गेंद फेंकी। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने IPL करियर का पहला विकेट लिया। उन्होंने इनफॉर्म बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को अपना शिकार बनाया। उथप्पा के बाद उनके हत्थे चढ़े खतरनाक मोइन अली को अरोड़ा ने बोल्ड कर दिया। इस गेंदबाज ने अपने कोटे के 4 ओवर में 21 रन देकर सीएसके के 2 अहम विकेट निकाले। इस मैच से पहले हुए 2 मैचों में पंजाब की बॉलिंग काफ़ी वीक दिखाई दे रही थी, लेकिन वैभव अरोड़ा की शानदार गेंदबाजी ने पंजाब की बॉलिंग की समस्या को भी दूर कर दिया। अब वैभव अरोड़ा आगे आने वाले मैचों में खगीसरो बाड़ा और अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर तेज गेंदबाजी की बागडोर संभालने वाले हैं और विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 3 खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में पंजाब किंग्स की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। पंजाब किंग्स से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।